अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे कांस पहुंची हिना खान की। अब भी कांस में हिना खान को लेकर एक सीनियर एडिटर ने जो कमेंट किया था, उस कमेंट पर सलमान खान का क्या रिएक्शन है, आप खुद ही सुन लीजिए। हाल ही में हिना खान जो टीवी एक्ट्रेस है, बिग बॉस में दिखी थी और वो आपको बहुत पसंद करती है। हाल ही में वो कान फिल्म फेस्टिवल में गई और एक मैगजीन के एडिटर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि क्या कान अब चांदी वाली स्टूडियो बन गया है। तो इस तरह का जो क्लासिज्म और एलिटिज्म है, उस पे आप क्या कहेंगे? मुझे आई एम नॉट फॉलोइंग, समझ में आया नहीं क्या कौन हिना खान कहां गई थी? हिना खान इज अ कांस एंड अ मैगजीन एडिटर हैड सेड अब कांस चांदीवली स्टूडियो बन गया है व्हेन ही पुट अ पिक्चर अप। तो काफी चर्चा हुई थी, कल ही की बात है ये। सो ही इज आस्किंग अबाउट दैट। दैट्स वेरी रिस्पांसिबल ऑफ दैट एडिटर टू मेक अ कमेंट लाइक दैट। वेरी थॉटफुल of the editor to make a comment like that on Hina. Matlab I don't understand ki kya kehna cha rahe the ke Cannes is Chandivili ya Chandivili is gone to Cannes. अब बिग बॉस में हिना खान को सलमान खान ने अच्छे से जाना भी है और पहचाना भी है, तो सलमान को तो हिना के लिए बोलना ही था। वैसे भारत फिल्म के सॉन्ग लॉन्च पे कटरीना कैफ भी नजर आई। अब फिल्म की हीरोइन है तो हीरो के साथ तो आएगी। अब सलमान खान सबके मुंह से भाईजान शब्द सुनना चाहते हैं, लेकिन कटरीना कैफ से नहीं। बाजी इनके लिए भाईजान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे लिए। आई थिंक यू राइटली सेड। आई थिंक व्हाट यू सेड इज क्या भरोसा, भाईजान भी बुला सकते। अब सलमान ये तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, कटरीना आपको भाईजान कभी नहीं बोलेंगी।